Request Nishan to come up and start the session. Topic है documentation of antiquities in NMM format. अभी तक जो है हम लोगों ने देखा कि डेटाबेस क्या होता है. NMM जो है एक नेशनल डेटाबेस क्रिएट कर रहा है. तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर एंटीक्विटी का डॉक्यूमेंटेशन हम NMM फॉर्मेट में किस तरह करेंगे और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं. शाहू सर ने हम लोगों को पर्टिकुलर प्रीहिस्ट्री का एंटीक्विटी कैसे डॉक्यूमेंट किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी. ओवरऑल जो है सभी तरह के एंटीक्विटी किस तरह हम NMM के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी हम देखेंगे. कि हम लोगों को पता है कि NMM का जो है जो एंटीक्विटी डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट है यूनिफॉर्म फॉर्मेट है उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटीक्विटी दिया हुआ है. बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है. कोई भी आर्कियोलॉजी का पढ़ा हुआ व्यक्ति उसको फील कर सकता है. तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 21 पैरामीटर्स जो है हमारे एंटीक्विटी डॉक्यूमेंटेशन करने के हैं उसमें है नेम ऑफ द म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन, टाइटल ऑफ द ऑब्जेक्ट, थर्ड है टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्थ है डेट एंड पीरियड, फिफ्थ है डायनेस्टी एंड स्टाइल, सिक्स्थ है प्रोविंस, सेवन्थ मटेरियल, एट मेजरमेंट, नाइन डिस्क्रिप्शन, टेंथ आइडेंटिफिकेशन मार्क, 11 कंडीशन, 12 फोटोग्राफ, 13 लोकेशन एट म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन, 14 है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, 15 है एक्सेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, 16 है सोर्स ऑफ एक्विजिशन, 17 है नेशनल डॉक्यूमेंटेशन नंबर, 18 है पब्लिकेशन रेफरेंस, 19 है रिमार्क्स, 20 है डेट ऑफ रिकॉर्ड और लास्ट है 21 रिकॉर्डेड बाय. तो ये जो हमारा NMM का यूनिफॉर्म फॉर्मेट है एंटीक्विटी डॉक्यूमेंटेशन का इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह इसको हम एंटीक्विटी को इस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहला हमारा पैरामीटर्स है नेम ऑफ द म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन. तो बहुत ही सिंपल है. इसमें जिस जो इंस्टीट्यूशन में एंटीक्विटी रखा हुआ है उस इंस्टीट्यूशन का नाम इस कॉलम में इस पैरामीटर में हम को लिखना पड़ेगा. मान लीजिए कोई एंटीक्विटी एक्सकेवेशन ब्रांच नागपुर में रखा हुआ है तो उसमें उसका टाइटल नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और म्यूजियम में आएगा एक्सकेवेशन ब्रांच नागपुर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. बहुत ही सिंपल है. जिस भी इंस्टीट्यूशन में एंटीक्विटी रखा हुआ है उस इंस्टीट्यूशन का नाम इस पैरामीटर में हमको लिखना है. सेकंड हमारा पैरामीटर है टाइटल और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए अभी कोई बीट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं या बैंगल कर रहे हैं या कॉइन कर रहे हैं जो भी ऑब्जेक्ट हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट नेम. मान लीजिए बीट कर रहे हैं तो बीट ये उसका टाइटल ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा. बैंगल कर रहे हैं तो बैंगल ये उसका टाइटल ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा. कॉइन कर रहे हैं तो कॉइन है उसका टाइटल ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा. सिंपल है कि एग्जैक्ट टाइटल जो है ऑब्जेक्ट का हमको इसमें मेंशन करना है. थर्ड हमारा पैरामीटर है टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट. मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होगा इसके बारे में जानकारी इसमें देना है. मैंने बताया कि बीट है तो बीट का टाइप हम ऑर्नामेंट सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद कोई बैंगल है बैंगल का भी टाइप हम ऑर्नामेंट सिलेक्ट कर सकते हैं. हम जब ऑनलाइन टेम्पलेट फिल करते हैं ऑपरेटर लेवल पे हम जब टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑलरेडी ड्रॉपडाउन जो है NMM की तरफ से दिए हुए हैं. अलग अलग ड्रॉपडाउन जो है उसमें दिए हुए हैं ऑलरेडी दिए हुए हैं उसकी हेल्प आप जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उस टाइम ले सकते हैं.
जो टाइटल जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार जो है हमारा टाइप हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद का पैरामीटर है हमारा डेट एंड पीरियड। तो जैसे हम ऑनलाइन टेम्पलेट फिल करते हैं उसमें डेट का एक कॉलम आता है और उसके बाद पीरियड का भी एक कॉलम आता है। लेकिन अगर डेट का कॉलम फिल कर रहे हैं, डेट का पैरामीटर हम फिल कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमारे पास वो एंटीक्विटी का एग्जैक्ट डेट है, कोई एब्सोल्यूट डेट है या कोई इंस्क्रिप्शन पे उसका डेट मेंशन है, तो वो पर्टिकुलर एग्जैक्ट डेट ही डेट के कॉलम में मेंशन होगा। अगर उसका एग्जैक्ट डेट नहीं है तो वो कॉलम हम ब्लैंक रख सकते हैं। उसके बाद का कॉलम है हमारा पीरियड। तो अप्रोक्सीमेट पीरियड, मान लीजिए कोई मोरियन पीरियड का हमको एंटीक्विटी मिल रहा है, तो पीरियड के कॉलम में हम मोरियन पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। या कोई अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का एंटीक्विटी है, कोई अर्ली मिडियल पीरियड का एंटीक्विटी है, तो उस तरह के ड्रॉपडाउन जो है ऑनलाइन टैम्पलेट फिल करने के टाइम हमको वहाँ दिख जाएंगे। अलग अलग जो है पीरियड वहाँ हो गए, जिस पीरियड से वो एंटीक्विटी बिलोंग करेगा वही पीरियड हमको एग्जैक्ट पीरियड वहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद का पैरामीटर है डायनेस्टी और स्टाइल। तो जो ऑब्जेक्ट हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, कोई बैंगल है, बीट है, तो वो अगर उसकी डायनेस्टी अपिलेशन हमको पता है या किस स्टाइल का बना है, या कोई मूर्ति हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसका स्टाइल हमको पता है, तो या उसकी डायनेस्टी हमको पता है, तो उसी रिलेटेड एंटीक्विटी से रिलेटेड डायनेस्टी और स्टाइल, जिस भी डायनेस्टी और स्टाइल का अपिलेशन उस एंटीक्विटी के साथ होगा वही हमको प्रॉपर उसमें सिलेक्ट करना है। इसमें जो आगे पहले वाला पैरामीटर्स था डेट एंड पीरियड और स्टाइल एंड डायनेस्टी, इसमें से आपको कोई ना कोई पैरामीटर फिल करना कंपलसरी है। अगर किसी केस में हमको उस एंटीक्विटी के बारे में का पीरियड या डायनेस्टी नहीं पता चला है तो उसका रीजन हमको रिमार्क्स कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये दो कॉलम जो है कंपलसरी है, इसको फिल करना ही है। उसके बाद का हमारा पैरामीटर है प्रोविंस। तो प्रोविंस जो है फाइंड स्पॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फाइंड स्पॉट ऑफ द एंटीक्विटी, जिस जगह से हमको वो एंटीक्विटी मिला है उस जगह का नाम ये प्रोविंस के कॉलम में आएगा। मान लीजिए कोई एंटीक्विटी हमको पौनी से मिला है तो प्रोविंस के कॉलम में पौनी, उसके साथ साथ उसका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, इस सीक्वेंस में हमको प्रोविंस में कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा। तो उसमें लिखना आएगा पौनी डिस्ट्रिक्ट भंडारा महाराष्ट्र। तो इसी सीक्वेंस में हमको जो है प्रोविंस का पैरामीटर जो है फिल करना है। उसके बाद का हमारा पैरामीटर है मटेरियल। मान लीजिए कोई कार्नेलियन बीट है तो टाइटल में हमने बीट लिख दिया और मटेरियल में हमको उसका एग्जैक्ट मटेरियल जो है मेंशन करना पड़ेगा। कार्नेलियन बीट का मटेरियल, मटेरियल के कॉलम में कार्नेलियन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके भी ड्रॉपडाउन जो है ऑनलाइन हमारा जो फॉर्म फिल करते हैं, हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, उसमें जो है इसके ड्रॉपडाउन ऑलरेडी बने हुए हैं। वो ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको एग्जैक्ट मटेरियल उसका सिलेक्ट करना है। कोई कोई केस में क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट में दो मटेरियल यूज होते हैं, तो मेन मटेरियल जो ऑब्जेक्ट का है वो मटेरियल के कॉलम में होगा और उसके साथ साथ एक सब मटेरियल का कॉलम भी बना हुआ है, तो उसका जो सेकेंडरी मटेरियल है या सेकंड मटेरियल है वो सब मटेरियल में आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एंटीक्विटी का मेजरमेंट और वेट। तो मेजरमेंट में वो एंटीक्विटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का मेजरमेंट हमको देना है। इसमें हमने लेंथ, विड्थ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डायमीटर, वेट अलग अलग पैरामीटर मेंशन किए हुए हैं। और कोई भी एंटीक्विटी हम डॉक्यूमेंट करते हैं उसका वेट देना ये भी कंपलसरी है। अगर किसी चीज में या कोई लाइफ साइज इमेज या किसी एंटीक्विटी का हम वेट नहीं कर पा रहे हैं
तो उसका रीजन हमको रिमार्क्स कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा हेवी एंटिक्विटी होने के वजह से हम उस एंटिक्विटी का जो है वेट नहीं ले पा रहे हैं, उसका जेन्युइन रीजन आपको जो है रिमार्क्स कॉलम में मेंशन करना जरूरी है। अगर उसका वेट ले सकते हैं तो उसका वेट करना कंपलसरी है, वेट मेंशन करना हर एक एंटिक्विटी का कंपलसरी है। तो अलग अलग एंटिक्विटी का हम किस तरह मेजरमेंट लें इसके बारे में जानकारी देखेंगे। अगर कोई स्टैंडिंग पोजीशन में कोई मूर्ति है तो उसका आपको विथ हाइट और थिकनेस देना जो है जरूरी है। अगर कोई रिक्लाइन पोजीशन में स्कल्पचर्स है तो उसका लेंथ ब्रिथ देना कंपलसरी है। अगर कोई लाइफ साइज इमेज है, जिससे हम जो भी मेजरमेंट देते हैं वो एक तो सेंटीमीटर में देते हैं और वेट एक ग्राम में देते हैं, लेकिन अगर कोई लाइफ साइज इमेज है तो उस केस में उस एंटिक्विटी का आप मीटर में भी मेजरमेंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर कोई लूज आर्किटेक्चर मेंबर है तो, या कोई लिंटर है या पिलर का पार्ट है, तो उस केस में उसका हाइट ब्रेथ और फिट देना जो है कंपलसरी है। उसके बाद बहुत सारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा हमको बील और बीट और बैंगल मिलते हैं, तो बीट जो है उसके साइज और शेप जो होगा उसके अनुसार हमको उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद कोई बैंगल है तो बैंगल का डायामीटर और थिकनेस देना जो है ये चीज कंपलसरी है। उसके बाद कोई कॉइन है तो वेट तो हर इसमें कंपलसरी, लेकिन कॉइन में उसका वेट देना बहुत जरूरी है, उसी के साथ साथ उसका डायामीटर भी देना जरूरी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है डिस्क्रिप्शन। तो वो ऑब्जेक्ट का जो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद उस एंटिक्विटी का नेचर ऑफ द एंटिक्विटी क्या है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ कोई इंस्क्रिप्शनल एविडेंस उसके अंदर है, कोई कॉइन के अंदर अगर कोई ब्राह्मी स्क्रिप्ट है या कोई अरेबिक पर्शियन स्क्रिप्ट उसके अंदर है तो उसके बारे में जानकारी आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना जो है बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ उसका मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक अगर आपको पता चल रहा है तो उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसका शेप डिज़ाइन साइज जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद का पैरामीटर है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क हम लोगों ने, मैडम ने भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पैरामीटर्स है। कोई भी एंटिक्विटी का अगर रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है उसको पहचानने के लिए ये पैरामीटर्स हमको यूज होता है। तो इसके बारे में अगर कोई स्पेशल फीचर या कोई कट मार्क उस एंटिक्विटी में है तो उसके बारे में जानकारी जो है आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में देना ये जरूरी है। और उसके बाद उस मार्क का फोटोग्राफ लेके भी आपको वो फोटो जो आइडेंटिफिकेशन मार्क का है वो ऑनलाइन हम जब फॉर्म फिल करते हैं उसमें भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंडीशन। तो उस ऑब्जेक्ट को देख के उसकी कंडीशन क्या है, अगर कोई ब्रोकन ग्राइन है तो ब्रोकन, अगर कोई वेदर्ड है वेदर्ड, अगर कोई रस्टिकेटेड आयरन नेल है तो ये रस्टिकेटेड आयरन नेल, कोई प्लैटिनेटेड कॉइन है तो प्लैटिनेशन, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका उसका कंडीशन जो है आपको उसमें मेंशन कराना पड़ेगा। इसके भी ऑलरेडी डॉक्टर हमको ऑनलाइन जो है बने हुए हैं उससे आप सहारा लेके इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद है फोटोग्राफ्स। तो ये फोटोग्राफ जो है आर्कियोलॉजिकली जिस तरह हम फोटो लेते हैं उसमें प्रॉपर स्केल होना जरूरी है। उस स्केल के अंदर उसका वो मीटर का स्केल है या सेंटीमीटर का स्केल है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये भी होना जरूरी है। उसका बैकग्राउंड जो है प्रॉपर होना चाहिए, जैसे रेड कलर का बीड है तो रेड बैकग्राउंड ले अगर रखते हैं हम लोग तो वो अच्छी तरीके से हमको फोटो दिखेगा नहीं। तो उसका प्रॉपर बैकग्राउंड भी होना चाहिए,
उसके बाद उसका ब्राइटनेस भी ठीक से हमको फोटोग्राफ्स लेने के टाइम ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है लोकेशन इन द म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन। तो इसमें प्रोविंस के कॉलम में हम लोगों ने मेंशन किया कि फाइंड स्पॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस जगह से वो ऑब्जेक्ट हमको मिला है उस जगह का नाम हम प्रोविंस में लिखते हैं। जैसे पौनी से कोई ऑब्जेक्ट मिला तो पौनी डिस्ट्रिक्ट भंडारा महाराष्ट्र, हम ऐसा प्रोविंस में मेंशन करेंगे। लेकिन वो पौनी का ऑब्जेक्ट नागपुर एक्सकेवेशन ब्रांच में रखा हुआ है या कोई म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है तो जो जहाँ पे वो डिस्प्लेड है या जहाँ पे वो रिजर्व कलेक्शन में है या जहाँ वो लोकेटेड है प्रेजेंट कंडीशन में, वो जगह का नाम जो है हमको लोकेशन एट द म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन के कॉलम में मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद उस जगह का जहाँ वो लोकेटेड है उस जगह का स्टेट जो है आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सेशन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एक्सेशन नंबर ये मेंशन करना जरूरी है, किसी केस में एंटीक्विटी को एक्सेशन नंबर कहीं कहीं दिया नहीं जाता है तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो आपको इसमें मेंशन करना जो है कंपलसरी है एक्सेशन नंबर। उसके बाद सोर्स ऑफ एक्विजिशन, वो एंटीक्विटी हमने कहाँ से एक्वायर किया हुआ है, उसका सोर्स क्या है एक्विजिशन का। मान लीजिए कोई एक्सकेवेटेड साइट से उसको लिया गया है या एक्सप्लोर करके उसको हमको मिला है या कोई परचेस्ड है या लोन पे लिया है कोई म्यूजियम ने या डोनेटिंग किया है या एक्सचेंज है, तो प्रॉपर सोर्स ऑफ एक्विजिशन जो है इस कॉलम के अंदर हमको मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद फ्रॉम वेयर एक्वायर्ड, तो फ्रॉम वेयर एक्वायर्ड मतलब जैसे कोई एंटीक्विटी हमको एक्सकेवेशन से मिला है तो उसका सोर्स ऑफ एक्विजिशन एक्सकेवेशन होगा और वो कहाँ से मिला है, पौनी के एक्सकेवेशन से मिला है तो पौनी से उसको हमने एक्वायर किया। तो एक्वायर वेयर फ्रॉम वेयर एक्वायर्ड में उस साइट का नाम हमको मेंशन करना पड़ेगा। ये एक्सप्लोरेशन से हमको मिला है तो कौन से एक्सप्लोरेशन, किस जगह के एक्सप्लोरेशन से हमको एक्टिविटी मिला है, इसके बारे में जानकारी हमको इस कॉलम में देनी पड़ेगी। उसके बाद है पब्लिश रेफरेंस, वो एंटीक्विटी की कोई एक्सकेवेशन रिपोर्ट पब्लिश्ड है या आईएआर के अंदर वो एंटीक्विटी पब्लिश्ड हुआ है, उसका रेफरेंस वहाँ हमको मिल रहा है तो प्रॉपर पब्लिश्ड रेफरेंस अगर है तो उसका प्रॉपर पब्लिश्ड रेफरेंस आईएआर एक्सकेवेशन रिपोर्ट कोई अगर बुक में वो पब्लिश्ड है उसका प्रॉपर पब्लिश्ड रेफरेंस हमको पब्लिश्ड रेफरेंस में मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद हमारा पैरामीटर है रिमार्क्स। तो अगर ये पैरामीटर के अलावा ऐसी कोई चीज़ है एंटीक्विटी से रिलेटेड तो वो चीज़ हमको जो है रिमार्क्स कॉलम में मेंशन हम कर सकते हैं, जो भी है जो अलग अलग पैरामीटर में दिया नहीं है लेकिन वो एंटीक्विटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कोई भी चीज़ हो वो आप जो है रिमार्क्स कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, जिस डेट में जैसे आज के डेट में अगर हम कोई एंटीक्विटी डॉक्यूमेंट करते हैं 21 अगस्त 2023 तो आज हम कोई एंटीक्विटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ये 21 अगस्त 2023 ये मेंशन करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट डेट जिस डेट में हम वो एंटीक्विटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस डेट को डेट ऑफ रिकॉर्डिंग के कॉलम में मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद रिकॉर्डेड पार्ट, किस ने वो एंटीक्विटी को रिकॉर्ड किया है, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस और उसका ईमेल एड्रेस, ये डेट ऑफ रिकॉर्डिंग में मेंशन करना जो है जरूरी है। ये जो है टोटल 21 पैरामीटर जो है एनएमएम के एंटीक्विटी डॉक्यूमेंटेशन के हमने देखे, एक सैंपल है कि किस तरह जो है हम एंटीक्विटी को जो है डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अलग अलग पैरामीटर में उसको फिल किया गया है, जैसे मैंने बताया डेट पीरियड डायनेस्टी स्टाइल में से कोई भी एक कॉलम फिल करना जरूरी है, अगर नहीं करते हैं तो उसका रीज़न हमको रिमार्क्स में देना पड़ेगा, वेट देना कंपलसरी है, अगर नहीं दे रहे उसका रीज़न हमको जो है रिमार्क्स में मेंशन
करना जरूरी है। लेबल स्केल होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद जब किस अभी एंटिक्विटी को हम डॉक्यूमेंट करें, लेकिन ऐसे कौन कौन सी एंटिक्विटी है जिसको हम एनएमवी के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा कि एक होता है आर्टिफैक्ट और होता है इकोफैक्ट। जो इकोफैक्ट है वो हमको एस्टिमेशन के द्वारा ही मिलते हैं, लेकिन उसको एज एंटिक्विटी हम एनएमए के फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसमें आ जाएगा मोलुस्क सेल, उसके साथ साथ कोलुमेला, एंटलर, बोन, फ्लेक, स्लैग, कोर और पॉटरी विदाउट ग्राफिटी मार्क्स और इंस्क्रिप्शन। देखिए अगर उसके ऊपर कोई ग्राफिटी मार्क है, कोर को क्यों नहीं करेंगे हम एंटीक्विटी में? कोर अगर बहुत इम्पोर्टेंट कोई कोर नहीं है, जैसे कि टोटल्स कोर, जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो कि मिडिल पैलियोलिथिक के इंडिकेटर है, वो सब इम्पोर्टेंट कोर्स जो है हम लोग करते हैं। कोई फ्लूटेड कोर है, बहुत अच्छा कोर है, उसको हम डेफिनेटली डॉक्यूमेंट करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कोर्स आते हैं जिसमें हार्डली एक फ्लेक हुआ है और बाकी उसका कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें हजारों संख्या में आ रहा है जिसमें कोई इस्तेमाल ही उसका ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर हम लोग इसको करेंगे, इसका टोटल नंबर ऑफ एंटिक्विटीज का बहुत हजारों संख्या में बढ़ जाएगा, लेकिन वी विल वेस्ट आवर रिसोर्सेज एक्चुअली। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली इसमें से, देखिए कायदे से तो सभी को करना चाहिए, कायदे से तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि, मान लीजिए राइनोसेरस है बोन जो है, जिसको अगर इसको राजस्थान में हड़प्पन एक्सकेवेशन में मिलता है, ऑफकोर्स करेंगे बोन को, उस बोन को, क्योंकि दैट इज रेयर देयर। लेकिन राइनोसेरस बोन ही भारी तादाद में काजीरंगा के पास वहाँ पे कोई साइट पे मिलता है, तो उस बोन की क्या जस्टिफिकेशन होगा? ऑलरेडी वी नो कि काजीरंगा में ये मिलता ही है। मेरा एक क्वेश्चन है, फॉर इंस्टेंस सेल डेबिटाज और सेल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम नागेश्वर, अब उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको एंटीक्विटी बोल के नहीं करेंगे, डेफिनेटली एंटीक्विटी सेल डेबिटाज बोल कर, सेल डेबिटाज सेल ऑब्जेक्ट्स है, बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ उसका डायमीटर भी देना जरूरी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है डिस्क्रिप्शन। तो वो ऑब्जेक्ट का जो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद उस एंटीक्विटी का नेचर ऑफ द एंटीक्विटी क्या है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ कोई इंस्क्रिप्शनल एविडेंस उसके अंदर है, कोई कॉइन के अंदर अगर कोई ब्राह्मी स्क्रिप्ट है या कोई अरेबिक पर्शियन स्क्रिप्ट उसके अंदर है, तो उसके बारे में जानकारी आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना जो है बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ उसका मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक अगर आपको पता चल रहा है तो उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसका शेप, डिजाइन, साइज जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद का पैरामीटर है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क हम लोगों ने, मैडम ने भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पैरामीटर्स है। कोई भी एंटीक्विटी का अगर रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है उसको पहचानने के लिए ये पैरामीटर्स हमको यूज होता है। तो इसके बारे में अगर कोई स्पेशल फीचर या कोई कट मार्क उस एंटीक्विटी में है तो उसके बारे में जानकारी जो है आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में देना ये जरूरी है। और उसके बाद उस मार्क का फोटोग्राफ लेके भी आपको वो फोटो जो आइडेंटिफिकेशन मार्क का है वो ऑनलाइन हम जब फॉर्म फिल करते हैं उसमें भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंडीशन। तो उस ऑब्जेक्ट
को देख के उसकी कंडीशन क्या है, अगर कोई ब्रोकन ग्राइन है तो ब्रोकन, अगर कोई वेदर्ड है वेदर्ड, अगर कोई रस्टिकेटेड आयरन नेल है तो ये रस्टिकेटेड आयरन नेल, कोई प्लैटिनेटेड कॉइन है तो प्लैटिनेशन, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका उसका कंडीशन जो है आपको उसमें मेंशन कराना पड़ेगा। इसके भी ऑलरेडी डॉक्टर हमको ऑनलाइन जो है बने हुए हैं, उससे आप सहारा लेके इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद है फोटोग्राफ्स। तो ये फोटोग्राफ जो है आर्कियोलॉजिकली जिस तरह हम फोटो लेते हैं उसमें प्रॉपर स्केल होना जरूरी है, उस स्केल के अंदर उसका वो मीटर का स्केल है या सेंटीमीटर का स्केल है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये भी होना जरूरी है। उसका बैकग्राउंड जो है प्रॉपर होना चाहिए, जैसे रेड कलर का बीड है तो रेड बैकग्राउंड मिलेगी अगर रखते हैं हम लोग, तो वो अच्छी तरीके से हमको फोटो दिखेगा नहीं, तो उसका प्रॉपर बैकग्राउंड भी होना चाहिए। उसके बाद उसका ब्राइटनेस भी ठीक से हमको फोटोग्राफ्स लेने के टाइम ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है लोकेशन इन द म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन। तो इसमें प्रोविंस के कॉलम में हम लोगों ने मेंशन किया कि फाइंड स्पॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस जगह से वो ऑब्जेक्ट हमको मिला है उस जगह का नाम हम प्रोविंस में लिखते हैं। जैसे पवनी से कोई ऑब्जेक्ट मिला तो पवनी डिस्ट्रिक्ट भंडारा महाराष्ट्र, हम ऐसा प्रोविंस में मेंशन करेंगे। लेकिन वो पवनी का ऑब्जेक्ट नागपुर एक्सकेवेशन ब्रांच में रखा हुआ है या कोई म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, तो जो जहाँ पे वो डिस्प्लेड है या जहाँ पे वो रिजर्व कलेक्शन में है या जहाँ वो लोकेटेड है प्रेजेंट कंडीशन में, वो जगह का नाम जो है हमको लोकेशन एट द म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन के कॉलम में मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद उस जगह का जहाँ वो लोकेटेड है उस जगह का स्टेट जो है आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सेशन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एक्सेशन नंबर ये मेंशन करना जरूरी है, किसी केस में एंटीक्विटी को एक्सेशन नंबर कहीं कहीं दिया नहीं जाता है, तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो आपको इसमें मेंशन करना जो है कंपलसरी है एक्सेशन नंबर। उसके बाद सोर्स ऑफ एक्विजिशन, वो एंटीक्विटी हमने कहाँ से एक्वायर किया हुआ है, उसका सोर्स क्या है एक्विजिशन का। मान लीजिए कोई एक्सकेवेटेड साइट से उसको लिया गया है या एक्सप्लोर करके उसको हमको मिला है या कोई परचेस्ड है या लोन पे लिया है कोई म्यूजियम ने या डोनेटिंग किया है या एक्सचेंज है, तो प्रॉपर सोर्स ऑफ एक्विजिशन जो है इस कॉलम के अंदर हमको मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद फ्रॉम वेयर एक्वायर्ड, तो फ्रॉम वेयर एक्वायर्ड मतलब जैसे कोई एंटीक्विटी हमको एक्सकेवेशन से मिला है तो उसका सोर्स ऑफ एक्विजिशन एक्सकेवेशन होगा, और वो कहाँ से मिला है, पवनी के एक्सकेवेशन से मिला है, तो पवनी से उसको हमने एक्वायर किया, तो एक्वायर वेयर फ्रॉम वेयर एक्वायर्ड में उस साइट का नाम हमको मेंशन करना पड़ेगा। ये एक्सप्लोरेशन से हमको मिला है तो कहाँ, कौन से एक्सप्लोरेशन, किस जगह के एक्सप्लोरेशन से हमको एंटीक्विटी मिला है, इसके बारे में जानकारी हमको इस कॉलम में देनी पड़ेगी। उसके बाद है पब्लिश रेफरेंस, वो एंटीक्विटी की कोई एक्सकेवेशन रिपोर्ट पब्लिश्ड है या IAR के अंदर वो एंटीक्विटी पब्लिश्ड हुआ है, उसका रेफरेंस वहाँ हमको मिल रहा है, तो प्रॉपर पब्लिश्ड रेफरेंस अगर है तो उसका प्रॉपर पब्लिश्ड रेफरेंस IAR एक्सकेवेशन रिपोर्ट या कोई अगर बुक में वो पब्लिश्ड है उसका प्रॉपर पब्लिश्ड रेफरेंस हमको पब्लिश्ड रेफरेंस में मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद हमारा पैरामीटर है रिमार्क्स। तो अगर ये पैरामीटर के अलावा ऐसी कोई चीज़ है एंटीक्विटी से रिलेटेड तो वो चीज़ हमको जो है रिमार्क्स कॉलम में मेंशन हम कर सकते हैं, जो भी है जो अलग अलग पैरामीटर में दिया नहीं है लेकिन वो एंटीक्विटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कोई भी चीज़ हो वो आप जो है रिमार्क्स कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, जिस डेट में, जैसे आज के डेट में अगर हम कोई एंटीक्विटी डॉक्यूमेंट करते हैं 21 अगस्त 2023
तो आज हम कोई एंटीक्विटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ये 21 अगस्त 2023 ये मेंशन करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट डेट, जिस डेट में हम वो एंटीक्विटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस डेट को डेट ऑफ रिकॉर्डिंग के कॉलम में मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद रिकॉर्डेड पार्ट, किसने वो एंटीक्विटी को रिकॉर्ड किया है, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस और उसका ईमेल एड्रेस, ये डेट ऑफ रिकॉर्डिंग में मेंशन करना जो है जरूरी है। ये जो है टोटल 21 पैरामीटर जो है एनएमएम के एंटीक्विटी डॉक्यूमेंटेशन के हमने देखे, एक सैंपल है कि किस तरह जो है हम एंटीक्विटी को जो है डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अलग अलग पैरामीटर में उसको फिल किया गया है, जैसे मैंने बताया डेट, पीरियड, डायनेस्टी, स्टाइल में से कोई भी एक कॉलम फिल करना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो उसका रीज़न हमको रिमार्क्स में देना पड़ेगा। वेट देना कंपलसरी है, अगर नहीं दे रहे हैं उसका रीज़न हमको जो है रिमार्क्स में मेंशन करना जरूरी है। उसके लेबल स्केल होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद जब किस अभी एंटीक्विटी को हम डॉक्यूमेंट करें, लेकिन ऐसे कौन कौन सी एंटीक्विटी है जिसको हम एनएमएम के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा कि एक होता है आर्टिफैक्ट और होता है इकोफैक्ट। जो इकोफैक्ट है वो हमको एस्टिमेशन के द्वारा ही मिलते हैं, लेकिन उसको एज एंटीक्विटी हम एनएमए के फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसमें आ जाएगा मोलुस्क सेल, उसके साथ साथ कोलुमेला, एंटलर, बोन, फ्लैग, स्लैग, कोर और पॉटरी विदाउट ग्राफिटी मार्क्स और इंस्क्रिप्शन। अगर उसके ऊपर कोई ग्राफिटी मार्क है, कोर को क्यों नहीं करेंगे हम एंटीक्विटी में? कोर अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई कोर नहीं है, जैसे कि टर्टल्स कोर, जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि मिडिल पैलियोलिथिक के इंडिकेटर है, वो सब इंपॉर्टेंट कोर्स जो है हम लोग करते हैं। कोई फ्लूटेड कोर है, बहुत अच्छा कोर है, उसको हम डेफिनेटली डॉक्यूमेंट करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कोर्स आते हैं जिसमें हार्डली एक फ्लेक हुआ है और बाकी उसका कुछ भी नहीं हुआ है, इसमें हजारों संख्या में आ रहा है जिसमें कोई इस्तेमाल ही उसका ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर हम लोग इसको करेंगे, इसका टोटल नंबर ऑफ एंटीक्विटीज का बहुत हजारों संख्या में बढ़ जाएगा, लेकिन वी विल वेस्ट आवर रिसोर्सेज एक्चुअली। और बहुत सारी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली इसमें से, देखिए कायदे से तो सभी को करना चाहिए, कायदे से तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि, मान लीजिए राइनोसेरस है बोन जो है जिसको अगर इसको राजस्थान में हड़प्पन एक्सकेवेशन में मिलता है, ऑफ कोर्स करेंगे बोन को, उस बोन को, क्योंकि दैट इज रेयर देयर। लेकिन राइनोसेरस बोन ही भारी तादाद में काजीरंगा के पास वहाँ पे कोई साइट पे मिलता है तो उस बोन की क्या जस्टिफिकेशन होगा? ऑलरेडी वी नो कि काजीरंगा में ये मिलता ही है। मेरा एक क्वेश्चन है, फॉर इंस्टेंस सेल डेबिटेज और सेल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम नागेश्वर, अब उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको एंटीक्विटी बोल के नहीं करेंगे, डेफिनेटली एंटीक्विटी सेल डेबिटेज बोल करते हैं। सेल डेबिटेज सेल ऑब्जेक्ट्स है, और उसमें मीडियम की तरह शेल ऑब्जेक्ट मिलता है हजारों तादाद में और उस रीजन में मिलता है। थोड़ा देना तो ले लीजिए, इतनी शेल ऑब्जेक्ट्स मिलती है, इतनी शेल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, इसके हर फ्लेक्स को अगर डॉक्यूमेंट करेंगे आपकी, आपको क्या लगता है किस नंबर पे पहुंच जाएंगे एंटीक्विटी का संख्या वहाँ पे? और उसमें हर का जो है आपको ये सारे पैरामीटर्स यूज करना पड़ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर रजिस्टर ऑफ एक्सकवेशन
उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि, लेकिन नेशनल डेटाबेस में नागेश्वर के सारे फ्लेक्स को अगर आप रेप्लिकेट कर देंगे, सारे उठा के डाल देंगे, तो उस हिसाब से आप तो मतलब देखिए एनवीपी बहुत ही ग्लोरियस एक ट्रेडिशन को डिनोट करता है, ठीक है एनवीपी, लेकिन अगर वैशाली में जिसमें बोरी भर के एनवीपी मिलता है, ठीक है इतनी एनवीपी मिलता है, अगर हर एनवीपी के टुकड़े को वहाँ पे एंटीक्विटी माना जाए तो एंटीक्विटी का संख्या मतलब वहीं पे लाखों क्रॉस कर जाएगा, कौन इतना उसका ये करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी एक्सकैवेशन की डॉक्यूमेंटेशन में इम्पोर्टेंस नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंस है, एक्सकैवेशन की डॉक्यूमेंटेशन अलग तरीके से होगा, नेशनल डेटाबेस के लिए अलग तरीके से होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वी कैन नॉट कंट्रोल द टोटल अमाउंट ऑफ एंटीक्विटीज व्हिच आर अवेलेबल टू अस। नहीं लेकिन उस केस में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई ये एंटीक्विटी नेशनल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं हम लोग तो वही बोल रहे हैं ना कि ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्रेट वेयर, ठीक है ग्रेट वेयर की पॉटरी इसका बेस जो है बड़ा बड़ा अच्छा वाला बेस है इसमें, ठीक है लेकिन इस बेस जो है बहुत कॉमन है, हजारों तादाद में मिलता है, ऐसा नहीं है कि यूनिक फाइंड है यही बेस। हाँ अब अगर इसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है ऐसा बहुत सारे आपकी जो टाइम रिसोर्सेज और सारे चीज़ें इसमें इन्वेस्ट होगा, उसकी जगह में मान लीजिए ऐसे रेयर और अनोखी चीज़ें जो आपके पास है जो आप डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हो। एक्सेशन नंबर से दो या तीन लेकिन बात ये है इसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है। क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? बीड अगर सेम ही टाइप का हो, जैसे कि सारे सर्कुलर बीड है, ठीक है तो उसका एक जस्टिफिकेशन बनता है, लेकिन पहले कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। मैं यही बोल रही हूँ एक यूनिफॉर्म डेटाबेस का ये एक हर पैरामीटर के अगेंस्ट में एक लॉजिक है, ठीक है जहाँ की यूनिफॉर्म डेटाबेस नहीं है उसमें कोई लॉजिक नहीं माना जाता था। किसी ने देखा कि वहाँ पे क्यूबिकल ग्रिड है एक और एक स्फेरिकल ग्रिड है, दोनों को एक ही साथ डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, किसी ने उसमें उन्होंने किसी कोई लॉजिक नहीं लगाया, एक साथ मिला है, एक साथ मिलने का भी बहुत अजीब सी बात है ना, तो कोई उसका 3D मेजरमेंट किसी ने लिया था इसलिए बोल नहीं सकता है कि एक साथ मिला है कि नहीं, क्योंकि उसने एक लॉट में मिल गया है, ठीक है वो कहीं भी बिखरा हुआ पड़ सकता है लॉट में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप एक्सकेवेट कर रहे हैं तो एक्सकेवेटेड मटेरियल्स की हर का 3D मेजरमेंट हो नहीं ले रहे हैं ना, हर ऑब्जेक्ट का नहीं ले रहे हैं, वो आपकी लॉट में आया हुआ था, एक ही लॉट में आया है। मान लीजिए आपकी डिगिंग का थिकनेस था 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर का एक डिग हुआ, ठीक है 10 सेंटीमीटर की एक डिग में जितना आया है आप बोल रहे हैं सभी का एक डेप्थ दे दिया, सब कुछ एक साथ मिला, सब कुछ एक साथ नहीं मिला है भाई, उसका एक्टिविटी एरिया डिफरेंट डिफरेंट था, आपने उसको एक लॉट में मिला है, आपके पास जल्दबाजी था, टाइम की कमी थी, इसलिए आपने एक लॉट में डाल दिया, एक ही नंबर डाल दिया। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं तब आपको अलग अलग करना चाहिए था इनिशियल, लेकिन आपने बोल दिया सबको एक साथ मिला है तब इसलिए हमने एक साथ डाल दिया, ये आपकी मनमानी है, इसी जमाने में चला था। इसको अभी क्या करना है? ये जो है डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे करना चाहिए। जैसे मैडम बैडाना का एक्सप्रेशन है उसमें तो इसमें हम लोगों ने
पिछली बार भी बोला था कि एनएमएमए का नंबर डिफरेंट होगा, उसमें लिखना होगा रिमार्क्स में एक्सेशन नंबर जो है इसका ये है, अगले वाले का भी यही है सेम, लेकिन एनएमएमए का नंबर चेंज हो जाएगा, एनएमएमए का रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हजारों पैमाने में एक साथ जो है कहता वो आपको माइक्रोबिट्स मिला है, क्या करेंगे, एक ही साथ करेंगे, एक एक डब्बे में आपको एक साथ 25,000 माइक्रो स्केटाइट बिट मिला है, आप क्या एक एक करके चुनते रहेंगे और एक एक करके उसका वेट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, एक ही डब्बा में एक ही हंडी में मिला है ना, उसको एक साथ डालिए सारे माइक्रोबिट्स हैं। मैम वो तो हो गया, लाइक ही सेड दो तीन ऑब्जेक्ट्स है, इसी तरह से वी हैव लॉट ऑफ विद डिफरेंट पैटर्न्स हैव बीन क्लब टुगेदर एंड पुट टुगेदर, सो व्हाट डू वी डू विद दिस, देयर आर आयरन नेल्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, लॉट ऑफ देम, नो इट्स दिस मच इन वन पैकेट, वन एक्सेप्शन नंबर, इट हैज बीन पुट, इट वुड बी अबाउट इफ दे आर ऑफ सेम नेचर, दैट नो इट्स नॉट ऑफ सेम नेचर, इट्स मेनी थिंग्स बट ऑल आयरन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन पुट, no, that we have to separate them. We and have other thing that he said is most of us, this is for everyone or who are going to excavate in future, there was a rule ki at the site you make a temporary register and then after the excavation you sit, sort it out and then make a permanent register, but nowhere it has been done. Mansur, small fragments of sculptures, architects, architectural fragments which has nothing on it, just a small bead piece, bead decoration or something has been registered as antique. See, there is no rhyme and reason in this register. वाला ना ये site जो है बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा visibility था, इसीलिए ये defense mechanism के लिए बनाया है। इसने बोला है कि क्या क्या आपकी logic है उसके पीछे? ये जो हम लोगों ने मनमानी करके एक साथ सबको डाल दिया, किसी को अलग कर दिया, किसी को बोल दिया कि ये छोटा छोटा चीज है, एक माइक्रोबिट, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी है, अगर माइक्रोबिट रेयर है तो मैं बन सकती हूँ, लेकिन उसके दो चार पन्ना पलट जाए आप, उसमें देखिए कि आप 100 माइक्रोबिट एक साथ डॉक्यूमेंट किए हैं, तो इसमें हम लोग बैंगल्स को क्लब करके डाल सकते हैं, सम टाइम टेराकोटा केक्स क्लब करके, हां लेकिन बात ये है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ एक यूनिफॉर्म रीजन तो आपको, ये तो हो गया, बट दिस आर ऑल पास्ट, बट अभी फ्रेंड्स वी आर प्रिपेयरिंग अ नेशनल रजिस्टर ऑफ एंटीक्विटीज, हां प्रॉपर गाइडलाइन, तो ये गाइडलाइन ऑलरेडी हम लोग यही इसी के लिए तो ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यही आपका गाइडलाइंस है कि गाइडलाइन ये है कि आपका यूनिफॉर्म टाइप की चीज है उसको क्लब कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर टेराकोटा केक्स है ऑल ऑफ देम आर सिमिलर तो आप एक ही नंबर पे कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टाइप का स्फेरिकल बीड्स है तो आप डिफरेंट सबसे लोएस्ट साइज से हाईएस्ट साइज आप रेंज लेके कीजिए, 5 सेंटीमीटर डायमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर डायमीटर तक का बीड यहाँ पे है या 26 का तक का इधर है, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन एक ही जगह में अगेट है, एक ही जगह में कार्नेलियन है, एक ही जगह में आपके चल्सेडनी है और उसी जगह में आपको लैपिस लाजुली है, आप डिफरेंट डिफरेंट बीड के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट एनएमएमए का रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, लेकिन रिमार्क कॉलम में आप लिखिए कि इसका एक्सेशन नंबर सभी का सेम था, मतलब ये भी एक्सेशन नंबर इज दिस, तो लोगों को पता चलेगा कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, हाँ वो डॉक्यूमेंटेशन का नंबर ये था, लेकिन हम लोगों ने एनएमएमए की नेशनल डेटाबेस के पर्पस में इसको डिवाइड कर दिया, ये है गाइडलाइन है, इसी गाइड, हाँ अब अभी सबको क्लियर हो गया ना, हमको रिमार्क कॉलम में एक्सेशन नंबर लिखना है अगर एक्सेशन रजिस्टर के अंदर क्लब करके रखा हुआ है, नहीं वो तो ठीक है सर, सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ऑल ऑफ वो ठीक है, अगर मैं मटेरियल सेम है जैसे रायगढ़ फोर्ट में वहां पर हम लोगों ने मोर देन 250 जो एक्स मतलब टेम्परेरी रजिस्टर है उसमें हमने किया है और एक पैकेज में मोर देन 20 पीसेस हैं और 30 पीसेस हैं उसको किया है और सेम अपर लेवल में मिला है, बहुत उसका इम्पोर्टेंस नहीं है और जो हमारा रजिस्टर है साइज रजिस्टर उसमें मोर देन 250 सिर्फ बैंगल्स हैं ग्लास बैंगल्स और मोर देन 350 नेल्स हैं
और नेल्स भी एक पैकेट में कहीं 10 हैं कहीं 12 हैं, डिफरेंट साइज में छोटे बड़े और बड़े, तो उसको हम कैसे करेंगे? नहीं नहीं वो तो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो नहीं वो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट है ना, एक पैकेट में 10 हैं इसी प्रकार से हमने पैकेट वाइज उसको नंबर दिया हुआ है, ठीक है नो इशू, तो उस कैसे फोटोग्राफ कैसे करेंगे उसका? फोटोग्राफ उसको जैसे प्लेट बनाते हैं उस तरीके से प्लेट बनाइए, डिफरेंट पहले भी हम लोग प्लेट बनाते थे वो सेम चीज रहेगा, लेकिन उसका नंबर एक ही होगा क्योंकि एक साथ एक पैकेट में आपने डाले हैं, मटेरियल सिमिलर है, मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे ग्लास बैंगल्स हो सकते हैं, इसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि इसमें पीला नीला हरा कलौजी कलर का और ये वो फलाना ढकाना है, ठीक है। एक सिंगल नंबर ऑफ आर्टिकुलेशन में 35 बिट्स है ग्लास के, कुछ अच्छे सॉलिड है कुछ ब्रोकन है, उसमें उसका मेजरमेंट फोटोग्राफी नहीं 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 नहीं, आप सबसे आप एक का वो लीजिए और उसमें जो है सबसे ज्यादा बड़ा वाला का है उसमें लिखिए, उसमें रेंज डाल दीजिए अकॉर्डिंगली रेंज, स्मॉल टू, मान लीजिए किसी का सबसे छोटा है 3 मिलीमीटर है उसका दायर दिख रहा है, 3 से लेके 30 तक है इधर, ये लीजिए 3। एक एक क्वेश्चन और है मैडम, फॉर इंस्टेंस एक होड के अंदर में 500 गदैया कॉइंस मिले सिल्वर कॉइंस, अब वो कॉइंस के जो वेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ वेट्स, तो उसको आप कैसे डाल पाएंगे? नहीं 3 कैटेगरीज ऑफ वेट्स, ठीक है, तो आप वेट की रेंज वही डालिए, मान लीजिए गदैया कॉइंस की वेट आ रहा है आपकी हाई लेवल, हाँ हाँ कितना, 2.5 से आ रहा है 4 तक मिलीग्राम का मान लीजिए आ रहा है, तो वो वहाँ पे रेंज में लिखिए, लेकिन आपके डिस्क्रिप्शन कॉलम है, डिस्क्रिप्शन कॉलम में आपको 3 डिवीजन में बांट दीजिए उसको, डिस्क्रिप्शन कॉलम में आप मेंशन कीजिए कि इस जो रेंज है ये कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ए में 2 से 3, 3 में और इसमें 2 से 3 में इतना नंबर ऑफ, मान लीजिए 16 है गधेया कॉइंस, 3 से 4 तक जो है मान लीजिए 18 गधेया कॉइंस है, और 4 से 5 तक जो है 5 ग्राम्स में मान लीजिए 56 गधेया कॉइंस है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, ठीक है। फोटोग्राफ कैसे करेंगे वो तो प्लेट, आपका प्लेट में आप डिवाइड कर सकते हो ना, आपकी सीरीज वाइज साथ ही कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैटेगरी वाइज रखिए ना उसको। वैसे इसमें ना डॉक्टर तो बहुत यादव है डायरेक्टली, उसमें यादव नहीं योद्धा है, मैंने लास्ट टाइम लिखा भी था उसमें यादव के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, ये किसी से बात हुआ था, यादव हम लोग यही करते थे, यादव नहीं योद्धा है डायरेक्टली दिखाता है, यादव डायरेक्टली मेंशन नहीं उसमें, आप जो डेटाबेस मैनेजर है अगर आप डायनेस्टी में वो चेंज कर देंगे तो डेटाबेस में प्रॉब्लम क्या आएगा, आप ही को पूछ रहे हो, प्रॉब्लम वो आएगी नहीं मैडम, प्रॉब्लम आएगी मैडम उसमें, बट वो नहीं नहीं मैं आपको पूछ रही हूँ, मैं अगर उसमें एक नया कॉलम अभी डाल देती हूँ ड्रॉप डाउन में तो टोटल डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम आता ही नहीं उसमें, नहीं नहीं आपको पूछ रही हूँ, आप एनएमएम में मेरे जगह में है, सोच लीजिए कि आप डायरेक्टर एनएमएम में है, अगर मैं उसमें ज्यादा बार डाल दिया एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन एडिशनल डाल दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, पूरा सिस्टम ही नहीं आएगा बराबर, कंप्लीट नहीं होगा, क्या कंप्लीट नहीं होगा, जो फॉर्मेट है फॉर्मेट में पूरी तरह से अपलोड ही नहीं होगा, क्या नहीं अपलोड होगा, वो डायनेस्टी का आता ही नहीं कॉलम उसमें, आप ऑपरेटर लेवल से सोच रहे हो, आपको मैं डायरेक्टर एनएमएम की तरह सोचने के लिए बोल रहे हूं, वो डालना पड़ेगा मैडम, नहीं नहीं मैं डाल दिया मान लीजिए, डालने के बाद नहीं होगा प्रॉब्लम, डालने के बाद प्रॉब्लम होगा ना, क्या होगा, मैं वही पूछ रही हूं आपसे, यादव दिखाई गई शो ही नहीं कर रही, मैं डाल दिया, आप ही को पूछ रहे हूँ कि प्रॉब्लम क्या होगा, आप डायरेक्टर एनएमएम में हो,
आपको मैंने बोला थर्टी सेंचुरी एडी उतना दिखाता है बट वो तो अभी दिखाता है। आपने डिसीजन लिया कि वहाँ पे प्रशांत सोनोने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यादव नहीं आ रहा है, तो हमने यादव डाल दिया, ठीक है। आप प्रॉब्लम क्या होगा डेटाबेस में, अचानक से हमने यादव डाल दिया तो कंट्रीब्यूशन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पुरानी एंटीक्विटी जो है वो शो अप नहीं करेगा, जिसकी जो है यादव एफिलिएशन भी है, लेकिन उसको अगर डेट के हिसाब से डाला गया है तो वो जब तक वो करेक्शन नहीं होगा तो वो यादव की सर्च जब डालेंगे वो पुरानी एंटीक्विटी शो नहीं करेगा, यही प्रॉब्लम। और कुछ मैडम ऐसा बोल दिया गया ना वहाँ पे, क्या ज्यादा हेवी एंटीक्विटी है